हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी को पता ही है कि आज बहुत अच्छी खबर है कि आपको जो मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कोर्ट केस चल रहा था उसका फाइनल फैसला आ गया है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो भोपाल की वेबसाइट है, इस पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए 26/11/2021 को इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में यहाँ भी नोटिस दे दिया गया है। और इसमें ये भी कहा गया, अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखा भी दूँ तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें सीधा सीधा कह रखा है कि जो आपका मॉडिफिकेशन लिंक है जल्द ही जारी हो जाएगा, यानी कि जल्दी आपको वेबसाइट पर मॉडिफिकेशन लिंक देखने को मिलेगा। तो आप अपने जो भी आपका फॉर्म जिस भी वजह से कारण से रिजेक्ट हुआ है तो अपने वो तैयार रखें, जैसे फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह अपने सब तैयार करके रखें, जिससे कि अब जितना भी समय मिले उसके अंदर आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सको और जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो आपका सही हो सके। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम कैसे चेक करें हमारा फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं। तो देखिए, वेबसाइट पर अगस्त के महीने में एक नोटिस आया हुआ था, जो वहाँ लिंक भी दिया गया था, तो वहाँ आप चेक कर सकते थे। लेकिन वो लिंक अगर आप चेक करें तो अब ओपन नहीं होगा। तो हो सकता है कि जल्द ही आपको लिंक भी देखने को मिल जाएगा और आप चेक कर पाओगे। जब इतना हो गया तो ये भी होगा कि आपको जल्द ही जो मॉडिफिकेशन लिंक से पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं है। अगर ऐसे भी उन लिंक से पहले भी आप चेक करना चाहते हो कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है वो उसके मैसेज बॉक्स के इनबॉक्स में जाइए और वहाँ आप उसी महीने अगस्त के आसपास के जो अगस्त जुलाई उन दो तीन महीनों की आप जितने भी मैसेज आपके पास आए हैं उन्हें चेक कीजिए। उनमें आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं है, तो वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा। आपके पास अगर मैसेज आया हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, तब आया होगा। और जिनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं है उनके पास कोई मैसेज नहीं आया है, या अपने आप आपके जो ईमेल आईडी डाली है उस पर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि अपना मैसेज बॉक्स ओपन करें, वहां चेक करें और ईमेल आईडी को देखें, तो वहां आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं पता चलता है तो आपको कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन लिंक से पहले आपको एक लिंक शायद ये भी देखने को मिल जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या नहीं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि मैं आपको बना दूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि हम कैसे चेक कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।